नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के बीच अमेरिका के सांसदों ने भारत को सलाह दी है कि वो लोकतंत्र के मानकों को बनाए रखें। केंद्र सरकार इंटरनेट बंद किए बगैर आंदोलनकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने दें। यूएस डेमोक्रेटिक कांग्रेसी नेता और कांग्रेशनल इंडिया कोकस में उपाध्यक्ष ब्रैड शेरमैन ने कहा कि मैंने भारत सरकार से अपील की है कि वो लोकतंत्र के मानकों को बरकरार रखें और प्रदर्शनकारियों को शांति के साथ प्रदर्शन करने दिया जाए, उन्हें और पत्रकारों को इंटरनेट की सुविधा मिले। भारत के सभी दोस्त उम्मीद करते हैं कि सभी पक्ष जल्द ही किसी सहमति पर पहुंचेंगे। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने ट्वीट किया कि हाउस कोकस ऑन इंडिया और इंडियंस अमेरिकन्स फॉर दी 117 कांग्रेस नेतृत्व के साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत यूएस के बीच रिश्तों को मजबूत करने के मकसद से काम करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ने अलग अलग मसलों पर चर्चा की थी, जिसमें किसानों का मुद्दा भी शामिल था। वैसे किसान प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट कटौती के मसले पर 4 फरवरी को अमेरिकी प्रशासन ने टिप्पणी की थी। कहा था, सूचना की निर्लिप्त पहुंच अभिव्यक्ति की आजादी का मूल अधिकार है और लोकतंत्र की वानगी है। आपको बता दें कि अमेरिकी सांसदों की ये टिप्पणी 2019 के आखिर के महीने में कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए इस आंदोलन के बाद पहली बार आई है। दरअसल गृह मंत्रालय ने दिल्ली की सिंघू, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं पर इंटरनेट सेवाओं को किसानों के चक्का जाम के आह्वान के मद्देनजर शनिवार की रात 12 बजे तक निलंबित करने का आदेश दिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।